दोस्तों, केक को और कॉइन के विड्रोवल को लेकर के आप सभी का क्वेश्चन आ रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि कॉइन हमारा मेटामास्क में ऐड नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का कहना था कोर कॉइन हमारे पास नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे कोर की ब्लॉकचेन है वो हमारे यहाँ पे वॉलेट में ऐड नहीं है। और साथ ही साथ आप देखेंगे केक कोर की तरफ से यहाँ पे लगातार आप सभी के रिगार्डिंग मैसेज आ रहे हैं कि आप सभी विड्रोवल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि प्राइस क्या होगा, तो प्राइस हम यहाँ पे आपको नहीं बता सकते हैं कि आपको इतना प्राइस यहाँ पे मिल सकता है। हो सकता है कुछ पैसे में भी रह सकता है, हो सकता है कि कुछ रुपए में भी रह सकता है, तो ये हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग विड्रोवल करना चाहते हैं उन सभी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वीडियो में पूरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम कवर करेंगे और पूरा का पूरा आपको प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो कोर का मेन नेट है वो मेटामास्क में, और ये जो डिटेल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम आप सभी के यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं सीधे टॉपिक पे। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन से क्वेरी है फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरा कोर का ब्लॉकचेन भी यहां पे ऐड नहीं है। कोर का ब्लॉकचेन सबसे पहले मैं ऐड करूंगा, फिर उसके बाद केक कोर कॉइन को यहाँ पे ऐड करूंगा। तो सबसे पहले आपको मेटामास्क अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका ओल्ड मेटामास्क है तो आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आपका न्यू मेटामास्क है तो आप यहाँ पे जाएंगे। तो मेरा न्यू मेटामास्क है, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे। देखिए टॉपिक सारे कवर करूंगा लेकिन यहाँ पे एक एक करके कवर करूंगा। तो सबसे पहले ये टॉपिक कवर करूंगा, उसके बाद में विड्रोवल यानी आपको कोर कहां से मिलेगा वो भी कवर करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नेटवर्क, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलता है ऐड नेटवर्क, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और ये यहाँ पे ऐड करना कंपलसरी होता है तभी आपका कॉइन यहाँ पे ऐड होगा। कस्टम नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। कस्टम नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क नेम डालना होता है, तो यहाँ पे आपको कोर ब्लॉकचेन डालना है, यहाँ पे एक यूआरएल डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे चैन आई डालनी है, यहाँ पे सिम्बल डालना है, यहाँ पे ब्लॉक एक्सप्लोर डालना है। तो चलिए एक बार डिटेल आपको दिखा देते हैं। जो आपका यहाँ पे नेटवर्क नेम है वो कोर ब्लॉकचेन है, यहाँ पे आरपीसी है, ये भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। सारी डिटेल आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेगी एक एक करके। यहाँ पे आपको चैन आईडी 1116 डाल देनी है, यहाँ पे सिंबल डालना है कोर और यहाँ पे ये डालना है। तो फटाफट से ये डिटेल हम वहाँ पे फिल कर लेते हैं। देख सकते हैं सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर ली है एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे कोर ब्लॉकचेन लिखना है, कोर में आपको देख सकते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पे आरपीसी ये आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना है, इसमें भी देख लेना सही होना चाहिए। चैन आईडी आपको देख लेनी है 1116, यहाँ पे सिंबल डाल देना है, यहाँ पे आपको ये डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है, ये आपका सिंपल तरीके से ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा कोर नेटवर्क ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे कोर शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जब आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारी ब्लॉकचेन आपके यहाँ पे शो करेगा, जैसे इथेरियम है, लेना है, जो भी आपकी ऐड होंगी वो यहाँ पे शो करता है। तो मेरा यहाँ पे कोर ऑलरेडी ऐड है। अब आपको कॉइन कैसे ऐड करना है तो वो देखिए, यहाँ पे सिंपल तरीके से इंपोर्ट टोकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको केक कोर का यहाँ पे एड्रेस डालना है। सिंपल तरीके से आपका ये सारे कुछ फिल हो जाएंगे और ये आपका इनेबल हो जाएगा। यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। अब आपको एड्रेस कहाँ से निकालना है, कोर की वेबसाइट पे जहाँ पे आप माइनिंग करते हैं वहां पे आप जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑप्शन, और इसी पे आपको क्लिक करना है होम वाले पे, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और ये आपको मिल जाता है यहाँ पे प्लस। यहाँ पे आपको क्लिक करके एड्रेस कॉपी कर लेना है। यहाँ से हमने एड्रेस कॉपी कर लिया है, मेटामास्क में आपको चले जाना, एड्रेस हमने वहां से कॉपी कर लिया है। यहाँ पे एड्रेस हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही एड्रेस हम पेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका सारा कुछ ऑटोमेटिक ही यहाँ पे फिल हो जाएगा ये वाला, और ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरा इंपोर्ट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। यहाँ पे हम इम्पोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं आपका टोकन यहाँ पे सक्सेसफुल जो मेटामास्क है आपका उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं बार बार ये प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा, और ये सारे कुछ प्रोसेस अगर आप यूट्यूब पे भी देखने जाएंगे तो आपको मल्टीपल वीडियो देखने पड़ेंगे, तब आपको ये सारे कुछ प्रोसेस वहां पे मिलेंगे। तो ये आप देखेंगे यहां पे ऐड हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कोर कैसे लाना है। तो देखिए ये जो आपने कोर यहां पे ऐड किया है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको एक रिसीव का ऑप्शन मिल जाता है। ये आप यहां पे देखेंगे सेंड और रिसीव, ये आपको सेंड का मिल रहा है, ये रिसीव का मिल रहा है। तो आपको रिसीव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं आपका जो वॉलेट है वो आपको यहां पे एड्रेस कॉपी कर लेना है सिंपल तरीके से, ठीक है।
और यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो इसी एड्रेस पे आपको कोर सेंड करना पड़ेगा। अब अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास कोर है तो आप उससे भी ले सकते हैं और यही एड्रेस आपको सेंड करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको कोर ब्लॉकचेन ऐड करनी है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आप हमें कोर क्यों नहीं दे देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास जो कॉइन मैंने यहाँ पे माइन किया था, बहुत ही लास्ट में मैंने कोर कॉइन ज्वाइन किया था, तो मैंने लगभग 12 से 13 कॉइन ही यहाँ पे टोटल माइन किए थे और उस वजह से मेरे पास कोई भी यहाँ पे ज्यादा कोर नहीं है जिससे मैं आप सभी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। और आप फ्रेंड सर्कल में ले सकते हैं, कम कॉइन आपका फीस के तौर पर यहाँ पे कटेगा। ये आप देख सकते हैं, दो चीजें आपको और यहाँ पे मिल रही है। एक तो आपको इम्पोर्ट कोर चैन एड मेटामास्क मिल रहा है, आपको मिल रहा है इम्पोर्ट केक टोकन, तो ये दोनों मैंने आपके प्रोसेस यहाँ पे करा दिए हैं। और ये कनेक्ट का मिल रहा है, तो कनेक्ट का आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, मेटामास्क में ही आपको यहाँ पे केक कोर की आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कोर कॉइन आपको बाई कैसे करना है, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं OKX एक्सचेंज में एंटर कर चुका हूँ। OKX एक्सचेंज में आपको क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 2FA नहीं करना पड़ता है, और 2FA करना भी पड़ता है तो वो मोबाइल नंबर के जरिए करना पड़ता है। और अगर आप अदर एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे बाइबिट है, कुकॉइन है, या जो भी यहाँ पे मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं, तो उनमें क्या है कि उनमें आपको 2FA करना पड़ेगा गूगल एप्लीकेशन के थ्रू, जो गूगल ऑथेंटिकेशन है उसके थ्रू, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर ऐड होता है 2FA की जगह। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको बाई कैसे करना है। तो कोई भी एक्सचेंज हो, जैसे आपका बाइबिट हो, कोई भी एक्सचेंज हो, तो उसमें आपको सबसे पहले USDT या आपके पास कोई और कॉइन है तो वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसको सेल करके USDT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कोर कॉइन है वो USDT के पेयर में ही बाई सेल चलता है। ठीक, एसेट वाला जो ऑप्शन आपको मिलता है इसी पे आपको आना है। ये आपको जो मिल रहा है डिपॉजिट वाला ऑप्शन, इसी पे आपको जाना पड़ेगा। और इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन चेन कर देना है। अब ऑन चेन आप कर देंगे तो फिर आपके पास जो भी कॉइन यहाँ पे है वो आप डिपॉजिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाकर के आप डिपॉजिट कर लेंगे, और डिपॉजिट करने के बाद वो कॉइन आपका डिपॉजिट हो जाता है कुछ ही समय में। फिर आपको क्या करना है, ट्रेड वाला जो ऑप्शन है, जब आपका डिपॉजिट हो जाता है तो यहाँ पे आपको जाना है। मान के चलिए आपके पास BTC है, या आपके पास इथेरियम है, या आपने यहाँ पे USDT किया है। तो मैं USDT किया है, तब तो सिंपल है, आप USDT से कर सकते हैं। अब USDT से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो ये आपको मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BTC, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कोर कॉइन। देख सकते हैं कोर कॉइन आपका आ चुका है, दो पेयर है, यहाँ पे USDT है, यहाँ पे USDC है। तो मैं क्या करूँगा, USDT जो है इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि USDT ही आप सभी ने किया है यहाँ पे डिपॉजिट, तो USDT किया है तब तो सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाई का ऑप्शन ऑलरेडी आपका यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको लिमिट नहीं लगाना है। लिमिट अगर आप लगा देंगे तो काफ़ी समय में ये बाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा जो ये ऑर्डर आपको मिल रहा है मार्केट वाला, इसी पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास USDT पड़ा है उसको आप क्या करेंगे, ये जो आपका टिक यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, ये आपको इधर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे बाई कोर पे आपको क्लिक कर देना है, आपका बाई यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आपको यहाँ से विड्रॉ करके ले जाना पड़ेगा, कहाँ पे, जो आपका मेटामास्क है। ठीक है, उसमें आपको ले जाना है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो लगभग $10 के समथिंग होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी है, और ये प्रॉब्लम इस एक्सचेंज में नहीं है, सभी एक्सचेंजेस में। तो मैं तो कहूंगा कि आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई है तो उससे आप ले लेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप यहां पे आएंगे तो काफी ज्यादा आपको टाइम भी लगेगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपको ऑप्शन मिल जाता है यहां पे विड्रॉल का, इसी से जाकर के आप यहां से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन और यहां पे आप सभी के लिए अवेलेबल है, वो ऑप्शन आपका है डिसेंट्रलाइज का। जैसे आपका PancakeSwap है और भी बहुत सारे जो यहां पे हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो वो तो आपके मेटामास्क में ही आपको साइट सर्च करनी है और उनके थ्रू आप कर लेंगे। तो यही प्रोसेस यहाँ पे है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब आप सभी का कोई डिफरेंट क्वेश्चंस है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको मैसेज करेंगे स्कैम के रिगार्डिंग, तो आप बच के रहिए। किसी को भी कोई भी फंड सेंड मत कीजिए, लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन कॉइन सेंड आपको नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। इस वीडियो में लाइक, तब तक के लिए नमस्कार। किसी अदर टॉपिक पर फिर आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।